दो पकड़ लो भाई। चलो पकड़ोगे तो आप ही ना यार, कौन पकड़ेगा? चले ओके रेडी। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फबियय आलाय रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं तमाम मीडिया वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमेशा की तरह GFS की लेगेसी को बरकरार रखा, और मीडिया भरपूर मीडिया है इधर, ये GFS के एम्प्लॉई ऑफ द ईयर अवार्ड में शामिल था। हमेशा की तरह हर साल हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक्नॉलेज करते हैं, और इस साल भी ये धुआंधार इवेंट हमने किया अपने एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन के लिए। तो जिस तरह गवर्नर साहब ने कहा और दूसरे लोगों ने कहा कि मुल्क के हालात बड़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन है, तो हमने ये GFS की तरफ से कोशिश की है कि वो पाकिस्तान का असल पिक्चर दिखाया जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस बाउंस बैक भी करेगा और ऊपर जाएगा, और हम रहेंगे। पाकिस्तान है तो हमें पाकिस्तान जिंदाबाद। इरफान भाई, पिछले साल की नस्बत ये साल आपका कैसा रहा? कोविड था पिछले साल, ये साल इतना कोविड नहीं था, आप कैसा समझते हैं? पिछला साल ज़्यादा अच्छा रहा था प्रॉपर्टी के लिहाज से, सेल्स के लिहाज से, GFS के लिहाज से? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से ये साल बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और अगले साल के लिए क्या प्लानिंग की? अगले साल के लिए हमने ये प्लानिंग की है कि हम कराची के अलावा दूसरे शहरों में भी गए, जैसे इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान, तो उससे हम इंशाल्लाह मज़ीद पेनिट्रेट करेंगे। इस्लामाबाद से रिस्पांस कैसा मिला सर आपको? इस्लामाबाद से हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला, और इस्लामाबाद के लोगों ने हमें बहुत सराहा। ठीक है।